भोजपुर के आरा में उस समय हड़कंप मच गया जब बेखौफ अपराधियों ने भाकपा माले के नेता गोपाल प्रसाद के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि भाकपा माले नेता गोपाल प्रसाद आरा नगर निगम कर्मचारी यूनियन के भी नेता हैं। उनका बेटा विजय प्रसाद अपनी एम्बुलेंस चलाता था। बीती शाम विजय प्रसाद आरा सदर अस्पताल के गेट के सामने स्थित चाय की दुकान पर मौजूद था। इसी बीच पैदल ही पहुंचे चार बदमाशों ने विजय को लक्ष्य बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। गोली चलते ही मौके पर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। विजय को बेहद करीब से चार गोलियां मारी गईं। विजय के जमीन पर गिरते ही बदमाश पैदल ही वहां से भाग निकले। बदमाशों के भागते ही लोगों ने तत्काल विजय को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरा शीतल टोला में शराब का आटा चल रहा है। श्रीवन शीतल टोला मुठी टोला इसी का शराब पे चलता है। और ये शराब के साथ साथ अभी 3 महीना पहले पुलिस ने घर में हथियार बरामद किया था और पूरा रुपया पैसा ये सब बरामद किया था पुलिस। ये सब हमारा बेटा चला गया, हमको कोई अफसोस नहीं। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक मनोज मंजिल आरा सदर हॉस्पिटल पहुंचे और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे और उनको गोली मार कर और भागते हुए सुनने में मिला है कि एक ट्रैफिक पुलिस को भी गोली लगी है। इस तरीके से रोज हत्या लूट अपराध बढ़ रहा है। सरकार का संरक्षण है बड़े अपराधियों का, ये अपराधियों की सरकार हो चुकी है नीतीश और इसलिए लगातार घटना घट रही है। अभी तक देखिए घटना घटे हुए लगभग 2 घंटे हो गए। एसपी साहब टाउन में है, ये बड़ी घटना है और अभी तक नहीं आया। वहीं सूचना पाकर स्थानीय पुलिस के साथ ही आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने नाकेबंदी कर चेकिंग शुरू करा दी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है। फिलहाल वारदात का कारण पता नहीं चल सका है।